प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पुरी लोकसभा प्रार्थी संबित पात्रों ऊपर बर्षिले पवन खेरा लगातार गोटे परे गोटे ओडिशार अस्मिता उपरे हमला करिबारे लागिछि बीजेपी। बीजेपी नेता संबित पात्र प्रभु श्री जगन्नाथों ऊपर एमती मंतव्य पर विरोध में कौन कार्यानुषान ग्रहण करदी संबित पात्र कंग्रेस रही एभली मंतव्य तेज तुरंत कार्यानुषान ग्रहण होता कहते पवन यह घटन बीजेपी बहिष्कार करने समस्त जगन्नाथ प्रेमी को क्षमा प्रार्थना करने को कंग्रेस पक्षर दावी कर 10 वर्ष भितर देश में अराजकता बढ़िबार लगी बेकारी ठार आरंभ कर दलितों पर अत्याचार बढ़िबार लगी घटन जितेबले प्रश्न कर प्रधानमंत्री चुप रही ओडिशावासी जानते उपा सरकार थे राज्यपाई कौन कौन कार्य करुआड़े भी देखिए लोके कांग्रेस को चाहते आशा करेस एथर केवल राज्य में नुहे देश में भल प्रदर्शन कर एवं समय आसी भोट्रे देशवासी जवाब दिंतु जितेबले राम मंदिर प्रतिष्ठा होता से प्रभु श्रीराम हाथ धरी प्रधानमंत्री मोदी चलुवर देखा मिलता यह से विभिन्न महल में चर्चा होता एवं बीजेपी को पराजयर भय घारी से बारंबार ओडिशा गस्तरे आसी बीजेपी नेता मैंने कहते एथर निर्वाचन माहौल देखि लगुच कांग्रेस 12 रु 14 लोकसभा आसन जितब। मैं पहले सोचा था कि एक दिन के लिए ओडिशा आऊं। जब मैं ये लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक उड़िया अस्मिता पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमला हो रहा है, तो मैं एक दिन और रुकना चाहता था कि भुवनेश्वर में भी अपने साथियों से मिलूं और इस पर चर्चा करूं। अहंकार बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना अहंकार बढ़ते हुए कभी नहीं देखा कि एक मनुष्य अपने आप को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बना दे। ना ही प्रधानमंत्री ने संबित पात्रा को डांट लगाई या पार्टी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री को 24 घंटे का समय दिया और यह भी कहा कि अगर ये संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होता तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बर्दाश्त नहीं करते कि वो एक घंटे भी इस पार्टी में रहे, कि मैं भगवान हूँ। 2 इंटरव्यू पिछले 48 घंटे में मैंने देखे जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं तो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ, मैं तो सीधा भगवान ने भेजा है। अब अपने आप को कोई भगवान बना ले और महाप्रभु जगन्नाथ से भी अपने आप को ऊपर बना ले तो उसका घमंड तोड़ने का समय आ गया। धोखा भी दोगे तो एक आध बार लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान से अपने आप को ऊपर बना लोगे और कहोगे कि भगवान मेरे भक्त हैं तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं कि संबित पात्रा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। अन्याति भावना देखिए जो बीजेपी नेता मैंने घन घन ये आसते तार गोटे संकट अच्छी 272 सीट पाना ताकि गोटे गोटे सीट पर चेष्टा करमती आम सरकार रही बोली बारंबार आ मु निजे लड़िकिना आगे वातावरण देखी आंटी इनकमेंसी बीजेडी विरोध में बहुत अच्छी लोक मान आक्रोश अच्छी मसे ते जोबले नरेंद्र मोदी ओडिशा आसते कहे नवीन पट्टनायक मो भल सांग इज ए गुड चीफ मिनिस्टर कही आज कौन है सागे सागे सब बदलीगल कांग्रेस आम सरकार कर राज्य केन्द्र में आम 12 रु 14 लोकसभा सीट नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री सीटा टार्गेट अच्छी।